हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज जून की 28 तारीख है और आज का वीडियो किसी प्लांट की केयर या किसी नर्सरी विजिट को लेकर नहीं है। हमारे खेत के पास एक आम का पेड़ है जहां पर रोज़ बहुत सी चिड़ियां खाना खाने आती हैं। आज का वीडियो इन्हीं पंछियों को लेकर है जो दिन भर इधर उधर भटक कर अपने परिवार के लिए दाने पानी का इंतज़ाम करते हैं। अभी कोई फसल का समय भी नहीं है, इसलिए खेत खाली होने की वजह से इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। इनके खाने और पानी रखने के लिए आज मैंने एक एक्स्ट्रा हैंगिंग कंटेनर परचेज किया, तो सोचा क्यों ना वीडियो आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस बरसात के मौसम में कहें या उमस भरी गर्मी के मौसम में, हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा भी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम जैसी कई चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन ये पंछी अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस मौसम में न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। जिस बर्तन में अभी ये खाना खा रहे हैं, ये इनका पुराना बर्तन है जिसमें हम इनके लिए समय समय पर चावल और पानी रख देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन चिड़ियों की संख्या अब बढ़ते जा रही है जिससे नए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लग गई है। आज मैंने ये नया हैंगिंग पॉट इनके लिए ख़रीदा, ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला। बर्तन की कीमत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे इन पंछियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस नए हैंगिंग कंटेनर को एक कील की हेल्प से इस आम के पेड़ की टहनी में प्लेस कर देता हूँ, जिससे कि ये इसमें रखे हुए चावल या खाने को इसके किनारों में बैठकर आसानी से खा सकें। इस हैंगिंग कंटेनर को मैंने इस पेड़ की टहनी में फिक्स कर दिया है। अभी ये सभी पंछी मुझे काम करते हुए देख रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र पुराने बर्तन पर ही है क्योंकि उसमें पानी रखा हुआ है और मेरे आने से पहले ये उसी पानी को पी रहे थे। अभी ये सभी इस पेड़ पर छिपकर देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में ये नए कंटेनर पर खाना खाने ज़रूर आएंगे। मेरी चाची जी ने इस नए हैंगिंग बर्तन में इनके लिए चावल डाल दिया है, वो रोज़ सुबह इनको भरपेट खाना देती हैं। सच कहूँ तो हमारे वहाँ खाना वेस्ट ही नहीं होता, चाहे रोटी हो, चावल हो या फल, ये सब खा जाते हैं। सुबह हमारा नाश्ता करने से पहले ही ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने लिए खाना मांगने लगते हैं, फिर हम अपने नाश्ते के साथ ही इनको भी खाना दे देते हैं। दोस्तों, इंसान बहुत स्वार्थी होता है। अगर कोई बाबा हमसे कहे कि हर शनिवार को किसी जानवर को एक दर्जन केले खिलाओ, तुम्हारा भला होगा, तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा बदले में किसी लाभ मिलने की भावना होती है। लेकिन हमें इनसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमारे थोड़े प्रयास से इनका पेट भर जाए, हम इसी में खुश हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते ही हैं और वास्तव में यही जीवन है। अब हमारे घर के सभी सदस्यों को इनकी आदत सी पड़ गई है, जिस दिन तेज़ बारिश के कारण ये यहाँ नहीं आ पाते तो हमें बुरा लगने लगता है। जो दोस्त मेरे सारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, उन्हें नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने ऐसे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें बिना एक्सपेक्टेशन के सोशल वर्क करना अच्छा लगता हो। अगर हमारे थोड़ा सा प्रयास से किसी प्राणी का परिवार पल सकता है, तो मुझे लगता है शायद इससे बड़ी पूजा और प्रार्थना कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन भी है कि आप भी अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर ऐसे मानवीय कार्य ज़रूर करेंगे। आज का वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा मेन पर्पज़ भी यही था। इस बारे में आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरबीजे। थैंक्स।